कोरोना संक्रमण में आई कमी के साथ मध्य प्रदेश अनलॉक की राह पर चल दिया है। इसी कड़ी में इंदौर में भी अनलॉक के चलते राहत दी जा रही है। इसी के साथ क्राइसिस कमेटी की बैठक में फिर से बड़ी राहत दी गई। क्राइसिस कमेटी की बैठक में हुए फैसले के तहत जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए चौइत्राम मंडी में प्याज बेचने, अनाज मंडियों में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खरीदी बिक्री करने, होटल रेस्टोरेंट के लिए होम डिलीवरी की छूट, खेरची किराना दुकानें सोमवार से शनिवार तक संचालित की जा सकेंगी। जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन के साथ इंदौर के बाजारों में फिर से धीरे धीरे रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम लोग जो है मंत्री जी की सिलावट है और सांसद महोदय शंकर जी लालवानी हमारी जो विधायक है मालिनी वोट, इनके साथ जो है एडीएम के साथ हमारे एसोसिएशन की कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये विगत 3 दिन पहले 4 दिन पहले हुई थी। तो उसके अंदर हमको होलसेल व्यापारियों को अपना माल जैसे कारीगर को देते हैं हम मेटल, तो उससे जेवर बन के आते हैं वो वापस लेना आएंगे। अगर किसी कारीगर को मेटल लेना है, हमारा कोई अकाउंट्स वर्क रहता है, माल हमको कहीं बाहर डिस्पेच करना है, तो सारी व्यवस्थाओं के लिए जो होलसेल व्यापारियों के लिए परमिशन दी गई थी और ये सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन के लिए हमको मिली है और ये 9 बजे से 1 बजे तक का टाइम दिया गया है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें, अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। नए आदेशों के चलते इंदौर के कई बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी है। व्यापारी अब अपने घरों से निकलकर दुकानों की साफ सफाई में जुट चुके हैं और वह लगातार दुकानें खोलकर फिर से व्यापार को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके अंदर जो है कल कपड़ा मार्केट खुला था, आज सराफा बाजार जो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक के लिए होलसेल बाजार के व्यापारियों के लिए खोला गया है। और इसके अंदर जो है अभी प्रशासन के द्वारा जो है एक व्यवस्था की हुई थी, इसके अंदर व्यापारियों को आने के लिए उनके नाम नोट किए गए थे कि अदर कोई अन्य एसेसरी व्यापारी या कोई ग्राहक या कोई अदर ऐसे व्यक्ति ना गुज जाए जिससे बाजार को हानि पहुँच सके, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे एक आने वाले व्यापारी को एंट्री रखा। ये बहुत अच्छा एक निर्णय है। गौरतलब है कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक के साथ बाजारों में और व्यापार में दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।